Hi friends, and you are watching Study with Yuvraj. Guys, जैसा कि हमने last video में कुछ important और basic words पढ़े थे, उन्हीं में से आज हम को clear करने जा रहे हैं. Guys, आज हम पढ़ेंगे possessive determiner और possessive pronoun. So, your एक possessive determiner है. This is your pen. यह तुम्हारा कलम है. इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स. दिस पेन इज योर्स. अब देखिए कि योर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, इसके आगे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं. जबकि पॉजेसिव डिटरमाइनर में योर के आगे हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते. और गाइस, इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते दिस इज योर, नहीं ये गलत हो जाएगा. हम इसको ऐसा बोल सकते हैं दिस इज योर्स, दिस इज योर्स. इसको ऐसा भी बोल सकते हैं. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वर्ड इज अवर. शी इज अवर सिस्टर. वह हमारी बहन है. शी इज अ सिस्टर ऑफ अवर्स. इसका मीनिंग भी वही है. आइज इधर देखिए, शी इज के बाद पहले नाउन आएगा, फिर प्रोनाउन, फिर उसके बाद प्रोनाउन. गाइज अंडरस्टैंड? जब भी पर्सन आता है हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज माय. गाइज इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज माय. अगर हम दिस इज माय बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा. अंडरस्टैंड? गाइज नेक्स्ट वर्ड इज हिज. हिज का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हिज. अगर हिज में हम एस लगा देंगे तो यह नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस जुड़ा हुआ है. इसके एग्जांपल देखते हैं. दिस इज हिज कॉपी. यह उसकी है. इसको हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज हिज, तो यह रॉन्ग नहीं होगा. अगर हम पॉजेसिव डिटरमाइनर में बोलेंगे तो यह रॉन्ग हो जाएगा. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज डियर. इट्स अ डियर फॉल्ट. यह उनकी गलती है. इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है डियर्स. द फॉल्ट इज अ डियर्स. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज हर. दैट इज हर पेन. यह उसकी, वह उसकी कलम है. इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स. That pen is hers. वह उसकी कलम है. अब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं that is hers. वह उसकी है. लेकिन हम अगर ऐसा बोलेंगे that is her तो यह गलत हो जाएगा. अंडरस्टैंड? तो कुछ और वर्ड्स जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, जैसे ओनली. ओनली का मीनिंग होता है सिर्फ, सिर्फ. आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं. आई हैव ओनली वन सिस्टर. मेरे पास सिर्फ एक बहन है. इसका हिंदी होगा अलोन. अलोन मीन्स अकेला. लीव मी अलोन. जैसे हम बोलते हैं ना घर पर कभी कभी कि मुझे अकेला छोड़ दो, इसका इंग्लिश होगा लीव मी अलोन. बोथ. बोथ का मीनिंग होता है दोनों. वी बोथ वर गोइंग इन अ फॉरेस्ट. हम दोनों एक जंगल में जा रहे थे. जस्ट मीन्स अभी अभी. ही मेट मी जस्ट नाउ. वह मुझसे अभी अभी मिला. यह पास्ट टेंस के बात हो रही है यहाँ पर. स्टिल का मीनिंग्स होता है अभी भी. आई एम स्टिल थर्स्टी. मैं अभी भी प्यासा हूँ. लेटर. लेटर का बाद में. तेरा मीनिंग बाद में. वी विल मीट लेटर. हम बाद में मिलेंगे. अंडरस्टैंड? सो गाइज ये कुछ और वर्ड्स हैं. फर्स्ट वर्ड इज नाउ. नाउ मतलब अब या अभी. जैसे कि सेंटेंस है इसका, नाउ आई एम एट बस स्टॉप. अभी मैं बस स्टॉप पर हूँ. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज विद. विद का मीनिंग होता है के साथ.
आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। विदाउट, विदाउट का मीनिंग होता है के बिना। आई एम गोइंग विदाउट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के बिना जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने दोस्त के साथ नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज देन, देन तब या फिर। इसकी देन आई रोड ऑन अ हॉर्स कार्ट का हिंदी होगा तब नहीं, फिर मैं एक घोड़ा गाड़ी पे, तब मैंने एक घोड़ा गाड़ी पे सैर की। सो गाइस, हियर एंड्स आवर वीडियो। If you didn't subscribe my channel, so go to subscribe button and press it. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।